दिल्ली की नई शराब नीति की आड़ में घोटाले को लेकर सीबीआई ने बड़े दावे किए हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक इसकी पटकथा दिल्ली नहीं मुंबई में लिखी गई थी। इसे तैयार करने में मुंबई की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व सीईओ का नाम सामने आया है। सीबीआई ने एफआईआर में लिखा है कि मामले को साफ सुथरा दिखाने के लिए आबकारी विभाग के रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर फर्जी एंट्री की गई ताकि सरकार माथहतों और निजी पक्षों को सीधे लाभ पहुंचाया जा सके। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने करीब 12 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया गया। सीबीआई के एफआईआर में दावा है कि मुंबई की मैसर्ज ओनली मच लाउडर ने एन एंटरटेनमेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व सीईओ विजय नागर ने सिसोदिया के साथ मिलकर नई नीति का खाका कर तैयार किया था। इसे मनोज राय बिंड्रिको के सेल्स के अमनदीप ढल और इंडो स्प्रिट ग्रुप के एमडी समीर महेंद्रू ने मदद की। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएल।